आई नो गाइज माइनक्राफ्ट का ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, लेकिन यार उसके भी कुछ रीजंस हैं एंड वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ भाई आज के इस वाले एपिसोड में हम ना अपने हॉर्स के लिए घर बनाने वाले हैं। एंड अभी आप लोग भाई मोस्ट ऑफ बंदे सोच रहे होंगे कि हॉर्स मेरे पास कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से आया, सो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को भाई एक हॉर्स कहाँ से मिला। एंड साथ ही साथ गाइज ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों भाई इतने दिनों से माइनक्राफ्ट का वीडियो नहीं आ रहा था। सो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, सो वीडियो को भाई विदाउट स्किप के एंड तक देखते रहना। सो चलो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि माइनक्राफ्ट का ये एपिसोड इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया। देखो मेरा प्लान क्या था ना, 29 एपिसोड में भाई हम प्रिपरेशन करेंगे एंडर ड्रैगन से फाइट लेने की एंड 30 एपिसोड में जाके भाई एंडर ड्रैगन को फिनिश कर देंगे। लेकिन गाइज प्रिपरेशन करने के लिए मेरे को पोशंस की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं भाई अपने उस नैदर फोर्ट्रेस में गया। लेकिन वो इतना बकवास नैदर फोर्ट्रेस था ना कि उसमें भाई नैदर वॉर्ड्स थे ही नहीं, एंड जितने मेरे को मिले थे वो तो आपको पता ही है भाई ब्लेज ने सब जला दिए थे मेरे मरने के बाद, मतलब जब मैं मर गया था वहाँ पे। एंड गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास भाई हॉर्स कहाँ से आया। देखो मैं माइनशाफ्ट में गया था एंड जब मैं ऊपर, मतलब बहुत टाइम माइनशाफ्ट में घूमने के बाद जब मैं ऊपर गया ना, तो वहाँ पे मैं दूसरी जगह निकला एंड उधर बहुत सारे हॉर्स थे, तो मेरे पास शैडल भी था ना क्योंकि मैं माइनशाफ्ट में लूट करके आया था, तो मैंने शैडल से भाई इस हॉर्स को जो है टेम कर लिया। ओके एंड साथ ही साथ भाई मैंने दो और वुल्फ्स को भी टेम किया है एंड इन दोनों का नाम मैं क्या रखूँगा सोचा नहीं है, बट हॉर्स का क्या नाम रखना है गाइस मैंने सोच लिया है। एंड आज इसी के लिए भाई मैं एक घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये मेरा घर है इधर, भाई इसको तो रहने नहीं दे सकते ना, इसके लिए एक सेपरेट घर बनाना पड़ेगा एंड बड़ा सा बनाएगी एंड मेरे को पता भी है भाई कहाँ पर बनाना है। ओके गाइज एंड अभी भाई ये दो वुल्फ्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों वुल्फ जो है ना गाइस मैंने अभी अभी इन दोनों को टेम किया एंड ये हॉर्स जो है लिटरली भाई बहुत तेज भागता है। ये देखो ये दोनों वुल्फ, इन दोनों का नाम क्या रखना है मैंने अभी तक सोचा नहीं है। बाय द वे गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया हम अपने हॉर्स के लिए घर जो है इधर बनाने वाले, इधर एकदम परफेक्ट जगह है क्योंकि यहाँ पे ये एरिया जो है पूरा खाली है। पहले यहाँ पे भाई मेरा एक फार्म हुआ करता था लेकिन अभी मैंने उसको हटा दिया है। एंड अभी भाई आपको और दो नए चीज़ों से मिलवाता हूँ। तो ये देखो गाइस एंड ये देखो ये रहा भाई एक येलो वाला, इनका नाम भाई अभी मेरे को याद नहीं है, कुछ तो था अजीब सा बट अभी मैं भूल चुका हूँ। एंड एक और है भाई यहाँ पे देखो गाइस पिंक कलर का, तो ये पिंक कलर का जो है ना गाइस इसको तो मैं ओशन से लेके आया हूँ, बट जो ये येलो वाला है ना ये मेरे को माइनशाफ्ट में घूमते वक्त मिल गया था, वहाँ पे पानी में घूम रहा था ये, तो मैंने इसको भी ले लिया है। सो गाइज अभी भाई मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हुई है, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट किया है जो कि आप लोग देख सकते हो, लेकिन इतना इनफ नहीं है गाइज, थोड़ा बहुत और हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो भाई इतना सामान मैंने अभी रखा है। ओके सो अभी मैं ये सारे फैंस जो है ले लेता हूँ एंड अभी हमको ना अपने हॉर्स के लिए जो फार्म है उसको बनाना, सॉरी भाई फार्म नहीं, हॉर्स के लिए जो हम अपना घर बना रहे हैं उसको भाई बनाना स्टार्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे दो ब्लॉक का एरिया छोड़ रहा हूँ एंड इधर से हम बनाएंगे। ओके सो मैं यहाँ पे भाई अपने ओक के जो लॉग है उनको ले लेता हूँ एंड इधर से गाइस एक टावर बनाएंगे जो कि चार ब्लॉक्स का होगा, ठीक है। ओके तो ये तीन हो गया, चौथा भी ले चलता हूँ ना गाइस। ओके तो यहाँ पे चार का सही रहेगा, आई थिंक चार का तो होना ही चाहिए। ओके सो गाइस यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाते हैं एंड इसको फोर का करते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई फोर का हो गया एंड बीच में भाई हम चार ब्लॉक का एरिया छोड़ेंगे, नहीं तीन ब्लॉक का एरिया छोड़ेंगे एंड इधर फिर से इसको फोर ब्लॉक तक ऐसे करके हमको भाई चार घोड़े के लिए, मतलब अभी तो मेरे पास एक घोड़ा है बट मैं रूम बनाने वाला हूँ भाई चार, मतलब इन फ्यूचर भाई और घोड़े आने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे भाई तीन खंभे हो चुके, एक और खंभा भाई खड़ा करना है इधर। ओके सो यहाँ से सही है। ओके दो तीन, वेट अ सेकेंड, चौथा भी हो गया। लो गाइस इधर भाई अपना पीछे का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है एंड इधर एक और बना दूँ क्या, एक और बना देते हैं गाइस। हाँ एक और बनाना है भाई, बना देते हैं। नहीं देखो गाइस अभी भाई यहाँ पे चार रूम बन जाएंगे घोड़े के लिए छोटे छोटे, इनके अंदर भाई अपने चार घोड़े रहेंगे, अभी तो एक ही है। ओके सो गाइज अभी भाई मेरे को क्या करना है ना, अभी भाई क्या करना है मेरे को, बीच का एरिया भरना है एंड साइड के एरियाज भी भरने हैं, तो इसको कुछ इस तरह से लगाऊं क्या, नहीं उतना कुछ खास नहीं लग रहा गाइस, इसको तोड़ते हैं। इसको अगर ये ऊपर की तरफ इसका फेस रहेगा तब अच्छा लगेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है गाइज ये मस्त लग रहा है। ओके एंड यही सेम भाई हमको उस साइड भी करना है एंड इधर बीच में भी, वेट अ सेकेंड। ओके गाइज ये फोर ब्लॉक्स का हो गया, आई थिंक थ्री का ही बनाना चाहिए हमको। ओके सो गाइस इसको मैं यहाँ पे भाई थ्री लेवल तक लेके आ रहा हूँ एंड इसको भी मेरे को भाई तीन लेवल तक लेके जाना है। बीच में भाई इनको कुछ इस तरह से मैं लगा देता हूँ, अच्छे दिख रहे हैं यार, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में भाई बताना कैसे लग रही है। बाय द वे यहाँ पे मैं फैंस जो है इनको कुछ इस तरह से प्लेस करने वाला हूँ, रुको
ओए गाइस एज यू कैन सी भाई अपने फैंस जो है कुछ इस टाइप से इधर लगने वाले हैं। एंड भाई कुछ ज़्यादा कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं इसको कैसे बनाने वाला हूँ, बस मैं बनाए जा रहा हूँ। एंड रात भी हो रही है तो फटाफट से जाके भाई मैं सो जाता हूँ। एंड देन यार इसको थोड़ा बहुत फिल करेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस ये दोनों डॉग्स के भाई क्या नाम रखने हैं, डॉग नहीं है वुल्फ है, इन दोनों का नाम क्या रखना है भाई आप कॉमेंट में बताना। मैंने भाई अभी कुछ खास तो सोचा नहीं है इन दोनों के भाई नाम रखे गए। एंड इनके लिए भी भाई एक घर बनाना पड़ेगा छोटा सा, जो कि मैं बना ही दूंगा। बाय द वे गाइस अभी भाई हम सो जाते हैं। सो चलो यार यहाँ पे मैं सो चुका हूँ एंड फटाफट से उठ जा भाई। ओके सो चलो गाइस मॉर्निंग हो चुका है, फटाफट से चलते हैं भाई काम पे लग जाते हैं। एंड हमको भाई इसको फटाफट से कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे फ़ोन में भाई चार्ज जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे चलते कुछ इस तरह से भाई इसको बनाते हैं। ओके सो यहाँ पे मैं फेंस भी लगाते जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे भाई मैं इस तरह से पीछे के साइड में फेंस लगा हुआ एंड वुड भी भाई इन दोनों में भी फटाफट से गाइस ऐसे ही मैं भर देता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे देखो अपना जो पीछे का एरिया है वो बन चुका है, मतलब जो भाई बैक साइड में रहेगा। इधर देखो अभी यहाँ पे मेरे को दो ब्लॉक्स लगाने हैं, तीन का सही लग रहा है बट मेरे हिसाब से भाई दो ही लगाने हैं। यहाँ पे भी भाई कुछ इस तरह से ही मेरे को इसको प्लेस करना है। ये जो वुड है यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बनेंगे, मतलब रूम ही कह सकते हैं। इसको तोड़ के भाई यहाँ पे बैरल लगाएंगे हम, इसको भी तोड़ देते हैं। एंड इधर भाई इधर भी हमको कुछ इसी तरह से दो वुड के लॉक्स लगाने हैं एंड इधर एक बैरल लगेगा, ठीक है बैरल को हम बाद में लगाएंगे। एंड इधर से भी कुछ इसी तरह से मैं बना देता हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके सो चलो गाइस यहाँ से भाई अपना इतना काम जो है हो चुका है, अभी जस्ट भाई मेरे को बैरल्स लेके आने हैं एंड यहाँ पे भाई बैरल्स को लगा देना है। मैंने भाई दो बैरल बनाए थे, अभी मेरे को एक और बैरल की ज़रूरत पड़ने वाली है तो यहाँ पे इन दोनों को ले लेता हूँ एंड जाके भाई एक और बैरल भी लेके आना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ ना गाइस एक क्राफ्टिंग टेबल बना के इधर रख देता हूँ तो बार बार मेरे को भाई घर पर नहीं जाना पड़ेगा। बैरल्स को कुछ इस टाइप से हमको लगाना है। ओके एंड यहाँ से भी भाई कुछ ऐसे ही इसको लगाना है। तो चलो गाइस यहाँ पे दो बैरल लग चुके हैं, एक और बैरल लगाना है तो एक और बैरल मैं लेके आता हूँ, मतलब बनाना पड़ेगा भाई। ओके तो चलो भाई घर पे फटाफट से एंड चलते क्राफ्टिंग टेबल में, वेट। ओके ये रहा भाई, नहीं भाई बैरल तो दिख ही नहीं रहा है, स्टिक बनाने पड़ेंगे क्या। ओके सो गाइस ये रहा भाई बैरल आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है। सो चलो गाइस मैंने यहाँ पे एक और बैरल बना लिया, इसको भी फटाफट से चल के उधर लगा देते हैं एंड फिर क्या भाई फिर आगे का काम करना है। एंड मैं सोच के भी रखा है भाई इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। भाई वीडियो को एंड तक देखते रहो यार, आपको पता चल जाएगा ये कैसे बनने वाला है। तो चलो गाइस अपना इतना काम जो है बन चुका है एंड यहाँ पे भाई हम आइटम फ्रेम्स लगाने वाले हैं, जो कि मैंने न्यू वाले बनाए थोड़े बहुत, बट पहले मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। बार बार भाई घर पे नहीं जाना है, इधर बगल में ही मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना के रख दिया है। मैं देखो ये कॉबल स्टोन के जो वॉल्स है ना इनको मैंने क्रिएट कर लिया, इनको भाई बैरल के ऊपर लगाना है गाइस कुछ इस तरह से। एंड ऐसे भाई तीन लेवल तक हमको लेके जाना है एंड ऐसे ही सेम भाई बाकी दो के साथ भी हमको करना है। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई ये मैंने लगा दिए बैरल्स के ऊपर ये जो कॉबलस्टोन वॉल्स है। अभी चलते भाई अपने क्राफ्टिंग टेबल पे एंड अभी थोड़े बहुत चीज़ें हमको और बनाने हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ वेट अ सेकंड। फैंस और डोर्स बनाने आई थिंक गाइस मेरे को। ओके जो डोर होते हैं ना वो मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन ये जो डोर है गाइस मैं स्पर्स वुड के बनाने की सोच रहा हूँ, तो पहले मैं स्टिक बना लेता हूँ। ये देखो गाइस ये रहे डोर्स एंड भाई बहुत सारे डोर की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारे स्टिक बना लेता हूँ एंड भाई ये स्पर्स वुड मेरे को वेस्ट नहीं करने, इन्हीं के तो डोर बनने वाले। तो फटाफट से यार मैं बहुत सारे स्टिक्स बना लूँ, फिर अपने पाँच डोर आ रहे हैं ना इधर, ये पाँचों डोर लेते हैं एंड इनको गाइस मेरे को कुछ इस तरह से लगाना है। एंड वेट अ सेकेंड यार इधर अगर मैं डोर लगा दूंगा तो अंदर तो यार सिर्फ दो ब्लॉक की जगह बचेगी, तो मेरे को मैंने गलती कर दी गाइस, मेरे को इनको ना चार लेवल तक लेके आना चाहिए था जिससे भाई अंदर 3x3 की जगह बचे रहे। तो इनको गाइस मेरे को तोड़ के एक और लेवल आगे करना पड़ेगा, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी छोटी सी, तो फटाफट से इनको हटाता हूँ एंड एक और लेवल आगे रख देता हूँ इन सबको। ओके सो गाइस अभी मैंने इसको भाई एक लेवल आगे कर दिया एंड मेरे से भाई छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने इसको सिर्फ तीन ही लेवल तक मतलब बनाया था, जबकि इसको भाई 4 लेवल तक बनाना था। बाय द वे गाइस यहाँ पे भाई थोड़े बहुत और डोर्स लगाने वाले स्पर्स वुड के, तो मैं थोड़े बहुत और जो स्पर्स फैंस गेट है ना इनको बना लेता हूँ एंड ये डोर नहीं भाई गेट है, फैंस गेट। तो मैंने इधर 9 बना लिए गाइस और लगेगे भाई, रुक जाओ तीन और। ओके 12 बन चुके गाइस एंड 12 ही लगने वाले, तो इनको देखो गाइस बैरल के बगल से ऐसे इसको लगाना है एंड इधर से भी सेम
इधर से भी एंड इस टॉर्च को हटाते हैं यार। ओके इसको ऐसे लगाओ एंड एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे भाई अपने डोज जो है लग चुके हैं एंड मैंने भाई यहाँ पे यूज़ किया स्पर्स वुड। एंड अभी मेरे को क्या करना है ना, अभी वेट अ सेकंड मैं अपने वुड्स ले लेता हूँ जो लॉग्स है। यहाँ से यार मेरे को एक छोटा सा मतलब खंबा खड़ा करना पड़ेगा। ओके पिलर, तो ये देखो गाइस मैंने इधर से भी चार ब्लॉक तक इसको खड़ा कर दिया एंड सेम भाई इस साइड पर भी यही करना है। सो इसको भी भाई बना लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई हमने बना दिया एंड ये देखो अब भाई अपना स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बस यहाँ पे भाई छत बनानी है एंड ऐसे कुछ जगहों को फिल करना है। तो इस जगह को पहले मैं फिल करता हूँ, ये जो अपना ये वाला एरिया है। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई मेरा जो चार्ज है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। बाय द वे इसको मैं फटाफट से फिनिश कर लेता हूँ इस साइड का जो है। देखो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसको बनाया एंड बीच में मैं लगाने वाला हूँ भाई फैंस। एंड फैंस में मैं यूज़ करने वाला हूँ ओक फैंस, रुक जाओ ये वाला फैंस यूज़ करते जो कि अपना ब्रिज वुड का फैंस है। इसको देखो बीच में लगा देते, अब कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि ठीक ही ठाक लग रहा है। मैं सोच रहा था भाई ग्लास लगाने को, बट फैंस ज़्यादा ओपी लग रहा है आई थिंक गाइस। एंड आप लोग कमेंट में बता ही दोगे कि भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके सो गाइस इतना काम भाई हो चुका है। अभी ऐसा जैसे मैंने इस साइड बनाया ना, उस साइड भी सेम ऐसे बनाना है। एंड यार यहाँ से तो घोड़े आजू बाजू चले जाएंगे, तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ क्या? वेट भाई ऐसे तो बीच में थोड़ी बहुत स्पेस बच जा रही है ना, तो जिससे देखो यार गाइस यहाँ से देखो मैं खुद आर पार हो जा रहा हूँ, तो घोड़े तो दूर की बात है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वुड जो बीच में मैंने लगाए उनको हटाना पड़ेगा एंड उसके जगह मेरे को नीचे से ही फेंस लगाने पड़ेंगे। तो इनको भाई मैं फटाफट से गाइस हटाता हूँ एंड नीचे जो मैंने तीन तीन वुड लगाए ना ओक वुड, उनको हटा के उसके जगह मैं फेंस को लगा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे भाई मैंने वो नीचे के वुड हटा के उसके जगह फेंस लगा दिया एंड अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है ना, यहाँ से देखो इधर से बहुत सारे फेंस लगाने, मतलब यहाँ तक खींच के लाना है, ठीक है, जिससे घोड़ों को मतलब बाहर भी छोटा सा गार्डन मिल जाए जिससे वो घूम सके। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कुछ इस तरह से लगा दिया है। ओके तो गाइस इस साइड का ये बन चुका है। अभी सेम भाई हमको इस साइड पे भी करना है, तो इस साइड से भाई मैं फेंस जो है यहाँ तक लेके आ जाता हूँ एंड एक सेकंड यार देख लूँ। ओके सो सही है यार, इधर लगाना है एंड देन गाइस डन। अब भाई इतना काम अपना हो चुका है एंड एज यू कैन सी गाइस अभी भाई मेरे को क्या करना है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत और ठीक ठाक करना है सब कुछ। जैसे कि यहाँ से देखो इधर भी फैंस लगाने हैं, ये थोड़े बहुत बच गए हैं, इनको भी फटाफट से लगाना पड़ेगा। ओके सो गाइस अभी भाई मेरे फ़ोन का बैटरी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सो मेरे को यार अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाना पड़ेगा एंड देन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2000 years later. सो गाइस यहाँ पे भाई मैं फिर से आ चुका हूँ एंड अभी भाई मैं इसको फटाफट से बनाता हूँ, मतलब कंटिन्यू करते हैं इसको यार। एंड अभी मेरे को क्या करना है ना, इसका छत बनाना है। ओके सो देखो इतना बना के तो नहीं छोड़ने वाला हूँ ना, इसका छत बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं इसका छत बनाने वाला हूँ एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ भाई स्टेयर्स, वुड के स्टेयर्स यूज़ करेंगे एंड देन भाई इसको भाई फिनिशिंग टच भी देना है। सो फटाफट से इसके स्टेयर्स बना लेता हूँ। एक तरह से कह सकते हैं गाइस इसका 50% काम जो है हो चुका है, बस ऊपर का काम बचा है, देन हो गया भाई। तो मैं यहाँ से भाई स्टेयर्स बना लेता हूँ। मैं सोच रहा था भाई स्पर्स वुड के स्टेयर्स यूज़ करें, बट नहीं ओक वुड के ही चल जाएंगे, वही सही लगेंगे। एक बार चेक कर लेते भाई ओक वुड के अच्छे लग रहे कि नहीं, वरना उसके जगह भाई हम अपने स्पर्स वुड के स्टेयर्स यूज़ कर लेंगे। उस गाइज एज यू कैन सी भाई ये क्या लगा दिया गाइज, ये मैंने कुछ उल्टा सीधा लगा दिया, यहाँ पे इसको निकालते हैं एंड देखो कुछ इस तरह से स्टेयर्स लगने वाले हैं एंड मैं इसका जो ऊपर का पूरा एरिया है ना उसको बनाने वाला हूँ एंड उसमें भाई थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो इस पार्ट को भाई मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि जो छत है ना वो मैं सिंपली बनाने वाला हूँ, जैसे विलेजर्स के घर पे होते हैं ना छत, वैसे बनाने वाला हूँ। सो फटाफट से भाई इसको भी मैं बना लेता हूँ।
गाइस कुछ इस तरह से वुड लगाया एंड उसके ऊपर भाई टॉर्चेस भी लगा दिए। अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर पे, मेरे पास बहुत सारे लालटेन्स पड़े हुए हैं, उनको मैं लेके आने वाला हूँ एंड इधर लगाने वाला। रुको भाई मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्या? सीरियसली मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरे को डोर से ही जाना पड़ेगा। वेट, मैं इधर से नहीं जा पा रहा हूँ गाइस, नीचे से ही जाना पड़ेगा। तो चलो यार यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ एंड अभी घर पे चलते हैं। मेरे को जो अपने लालटेन्स है ना उनको लेके आना है एंड अभी गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि और भी ओपी लगने वाला हो। रुको भाई थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट करने दो ना तब ये तगड़ा लगेगा। एंड अभी चलते हैं भाई अपने घर पे, नीचे चलते हैं भाई। नीचे मैंने रखे अपने जो लालटेन्स है एंड आई थिंक उसको लालटेन ही कहते हैं ना, हाँ यार वही कहते हैं। अभी देख लेता हूँ, रुक जाओ किस चेस्ट में था मेरे को याद नहीं आ रहा, वेट अ सेकेंड भाई मेरे को। हाँ ये भी तो लेके जाने हैं ना ग्लोइंग्स, मैं इनको भी ले लेता हूँ एंड इनसे भाई अपने जो आइटम फ्रेम है ना उसको ग्लो वाला बनाएंगे। ग्लो आइटम फ्रेम ऐसा ही कुछ उसको कहते हैं, मैं उसको बना देता हूँ। मेरे पास दो थे बट मेरे को तीन की ज़रूरत है क्योंकि बाहर तीन तीन बैरल लगे हुए हैं ना, तो हमको भाई एक और बनाने पड़ेंगे। तो ये देखो पहले भाई हम अपना बनेगा आइटम फ्रेम, रुक जाओ इन्वेंट्री फुल हो गई है, आलू फेंक देते हैं एंड फिर भाई अपना बन जाएगा ग्लो आइटम फ्रेम जो कि क्या ही तगड़ा लग रहा है। ये देखो मैंने तीन बना दिए यहाँ पे एंड गाइस अभी मेरे को क्या क्या लेके जाना है मैं आपको बताता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं लालटेन्स लेने आया था भाई, उनको तो ले लूँ। ओके सो ये रहे गाइस अपने लालटेन्स एंड मेरे को तीन शैडल भी चाहिए गाइस। ये तीनों आइटम फ्रेम में ना तीन शैडल्स लगेंगे एंड साथ ही साथ भाई और क्या भाई इनको बैरल के ऊपर लगाना है एंड देन इनके ऊपर शैडल्स लगा देने एंड क्या ही ग्लो करेगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से जाके। तो इधर भाई हमको ये जो बैरल लेना है यहाँ पे क्राउच होना है एंड क्राउच होके इसके ऊपर भाई ये लगा देने हैं, देखो कुछ ऐसे एंड ये टॉर्च हटाना पड़ेगा। रुक जाओ भाई ये टॉर्च हट जाए यार, तेरी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी लगा देते हैं। ओके सो गाइस इसके ऊपर अब हमको लगाने भाई अपने जो शैडल, मैं तीनों शैडल जो लेके आया हूँ इनको लगाने। वैसे भाई मेरे पास ना शैडल की कोई कमी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत सारे हैं मेरे पास। एंड भाई पोटैटो लगा दिया मैंने यहाँ पे, शैडल लगाना है यार, पोटैटो बाहर आ जा तू। सो चलो गाइस यहाँ पे भाई यहाँ पे मैंने जो ये आइटम फ्रेम्स हैं उनको भी लगा दिया एंड ये भी कतई लुक मतलब अच्छा कर दिया इस पूरे के पूरे हॉर्स हाउस का। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, मेरे को भाई लालटेन्स लेके आने थे, उनको भाई मैं लाना ही भूल गया। चलते भाई फटाफट से नीचे, चलो भाई इसी वाले चेस्ट में है एंड मेरे को ले जाना चाहिए था यार जब मैं आया था आइटम फ्रेम लेने। तो ये रहे भाई अपने लालटेन्स। ओके आई थिंक मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता ही दोगे। वैसे चलते गाइस फटाफट से एंड इनको भाई बाहर प्लेस करते हैं एंड किस तरह से प्लेस करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये भी कहते हैं तगड़े लगेंगे। रुको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक तो यहाँ पे लगेगा एंड एक ये जो कॉबल स्टोन वाल है ना उनके सामने लगेंगे एक एक कुछ इस तरह से। गाइस देखो क्या ही ओपी लग रहा है भाई, लिटरली गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को तो कतई ओपी लग रहा है। एंड अभी हमको सेम भाई अंदर भी लगाने हैं। अंदर में कहाँ पे लगाने वाला होगा गाइस, ये जो मैंने वुड्स प्लेस किए हैं ना इनके बीच वाले में, ठीक है इधर भी एक। ओके एंड इधर भी एक लगाना है, वेट। सो गाइस यहाँ पे भाई मैंने ये लालटेन्स जो है इनको भी लगा दिया है एंड अभी जो अपना जो हॉर्स हाउस है ना वो कतई तगड़ा दिख रहा है मेरे को। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट अप करने का सोच रहा हूँ बट वो हम फैंस से करेंगे गाइस, ऐसे भाई नॉर्मली थोड़ी करेंगे, हम फैंस का यूज़ करेंगे। एंड मेरे को पम्पकिन लेके आना चाहिए ना, पम्पकिन से मैं नीचे का एरिया जो है उसको लाइट अप कर पाऊँगा। बाय द वे गाइस यहाँ पे भाई थोड़े बहुत चीज़ें रखे थे मैंने, वैसे ये सब मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए रखा था लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी मैं नीचे चलता हूँ, वेट चला जा भाई क्या लेगा जाने का। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई मैं नीचे आ चुका हूँ एंड अभी भाई मेरे को थोड़े बहुत फैंस की ज़रूरत पड़ रही है। फैंस कम थे यार, 14 फैंस ही थे तो मैंने थोड़े बहुत और फैंस ले लिए एंड पम्पकिन ले लेता हूँ भाई, आया हूँ तो सब लेके जाता हूँ वरना पिछली बार जैसा फिर भूल जाऊँगा। अभी चलते हैं गाइस एंड उसको भाई फटाफट से मैं कंप्लीट कर देता हूँ एंड चलो यार। ओके सो अब मुझे भाई यहाँ पे लगाने अपने फैंस एंड मैं कैसा लाइट अप करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो कुछ इस तरह से अपना बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं देखो तीन फैंस लगेंगे जो कि तीन लेवल तक जाएगा एंड आई थिंक इतना एरिया मेरे को छोड़ना चाहिए। बीच में देखो हम ना इसको भर देंगे इस तरह से कुछ गाइस, ठीक है। इतना भरने के बाद बीच में हम डोर लगाएंगे बहुत सारे, मतलब इतने भी नहीं मतलब ज़्यादा ही लगाएंगे। सो चलो गाइस यहाँ पे भाई अपना इतना एरिया जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको बीच में डोर्स लगाने हैं गाइस, ठीक है। तो डोर्स लगाने के लिए मेरे को भाई डोर बनाने पड़ेगा एंड मैं स्पर्स वुड के डोर ही यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लाइट अप कर देता हूँ गाइस फिर हम डोर लगाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ बट डोर लगाना भाई ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोर लगाएंगे देन देखते हैं भाई क्या होगा। ओके गाइस डोर बनाने से पहले लाइट अप ही कर देते हैं। ये देखो ये भाई कुछ इस तरह से बनने वाला है, आप लोग भाई इसको देखो
एंड भाई कमेंट में बताना ये वाला कैसा लगेगा। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ अपने वर्ल्ड में। यहाँ पे देखो दो ब्लॉक्स लगाए मैंने एंड देन ऊपर चढ़ के तीसरा भी प्लेस कर देते हैं। वेट गाइज, यहाँ पे भाई इधर लगा दूंगा तो सही रहेगा ना, या फिर मेरे को एक और लगाना चाहिए? अब ठीक लग रहा है गाइज। ये टोटल चार फ्रेंड्स का है तो यहाँ पे मैं एक वुड लगाने वाला हूँ। एंड इतना काम होने के बाद गाइज हमको क्या करना है ना, इसको ऐसे चॉप कर देना है। एंड चलते भाई नीचे फटाफट से। एंड यहाँ पे गाइज अपना मेन काम आता है। अब क्या करना है ना गाइज, हमको फैंस लेना है। एंड मोस्ट ऑफ बंदे समझ गए होंगे भाई मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो गाइज हमको कुछ इस तरह से ये जो फैंस है ना इनको लगाने हैं। एंड इधर भाई चारों साइड मेरे को इस वुड के लगाने। देन गाइस हमको अपने लार्टेंस लेने एंड इनको भाई इनके नीचे लगाने। तो क्या ही तगड़ा लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर एक, ठीक है, दूसरा इधर लगेगा, वेट लगा लेते, तीसरा इधर लगेगा एंड लास्ट वाला इधर। ओके सो एज यू कैन सी गाइस अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। ये क्राफ्टिंग टेबल मैं बाद में हटा दूंगा। एंड सेम भाई मेरे को इस साइड में भी करना है तो इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई मैंने डोर्स भी लगा दिए एंड साथ ही साथ वो जो खंबे थे लाइट अप वाले उनको भी लगा दिया। एंड अब भी गाइस ये कतई तगड़ा लग रहा है। एज यू कैन सी भाई मेरे को तो ये कतई ओपी लग रहा है। एंड अभी अपने घोड़े को भी लेके आते हैं, उसको भाई इसके अंदर डाल देंगे। एंड ये देखो यार अंदर मैं ना ऐसे गड्ढे बनाने वाला हूँ एंड इनके अंदर आप लोग को पता ही होगा क्या लगाने वाले। नहीं पता तो बता देता हूँ यार, पम्पकिन लगाने वाले हैं ऑब्वियसली भाई। तीन पम्पकिन है तो इसलिए मैंने तीन गड्ढे किए हैं। एंड पम्पकिन लगाने का फ़ायदा ये है भाई हमको टॉर्च नहीं लगाना पड़ेगा ना। ओके सो चलो यार यहाँ पे मैंने तीन तीन पम्पकिन लगा दिए। रात भी हो रही है तो चलते हैं फटाफट से घर पे। एंड ये टॉर्चेस मेरे को तोड़ने पड़ेंगे, ये सब मैं तोड़ दूंगा भाई बाद में आके। अभी चल के गाइस फटाफट से सो जाते हैं। एंड सुबह यार अपने हॉर्स को लेके चले गए उसके न्यू घर में। एंड सो जा भाई, क्या लेगा सोने का गाइस, मेरे को सोने ही नहीं दे रहे। ओके वेट, अभी तक रात नहीं हुई क्या? सूरज तो डूब चुका है, अभी भी सो नहीं पा रहा हूँ क्या? लॉल गाइस मेरे को, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। अब सो जा भाई। ओके तो थोड़ा बहुत और वेट कर लेते हैं। अब सोएगा नहीं, अभी पहले मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है? ओके अब सो गया गाइज। सो चलो यार यहाँ पे अपना कैरेक्टर जो है फाइनली सो चुका है। एंड अभी ना मैं अपने हॉर्स में डायमंड आर्मर लगाने वाला हूँ गाइज। मेरे पास सिर्फ एक ही डायमंड आर्मर है हॉर्स का एंड उसको भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले रुको, मेरे को थोड़ा बहुत और काम है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इस चेस्ट में भाई वेट अ सेकंड, ये जो ग्रास है ना गाइस इनको मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगा। वैसे डेकोरेट नहीं यार, अंदर घास नहीं है। वैसे मैं बोन मिल मार के अंदर बहुत सारी ग्रास जो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं उतने भी ग्रास की ज़रूरत नहीं है। इनको देखो गाइस, अरे ये डोर भाई क्या ही बोले। तो इनको मैं कुछ इस तरह से ऐसे ही लगा देता हूँ रैंडमली, ठीक है, कहीं पर भी लगा देते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा लगेगा। तो मैं भाई इन सबको शेयर से मैंने कलेक्ट किया है। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई मैंने थोड़े बहुत घास फूस भी लगा दिए है। एंड ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा लग रहा है, मतलब लुक को थोड़ा सा बेटर कर रहा है। एंड सबसे मस्त चीज़ तो गाइस मेरे को ये आइटम फ्रेम लगे, आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अभी भाई ये काम हो चुका है, अभी बाहर चलते हैं। एंड मेरे को भाई अपने अब घोड़े को लेके आना है ना, अब तो उसको भी लेके आते हैं फटाफट से, इसके अंदर डालते हैं। एंड ये भाई कतई तगड़ा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। एंड रुक जाओ वेट अ सेकंड, यहाँ से तो मैंने लाइट अप करना भूल ही गया या इधर से लाइट अप करना, तो इधर से भी थोड़ा बहुत टॉर्चेस लगा देता हूँ। एंड देन गाइस मैं डायरेक्ट जाता हूँ भाई अपने घर पे, हॉर्स को लेके आता हूँ उसके ऊपर डायमंड आर्मर लगा के। एंड इधर भाई उसको उसके न्यू घर में रख देंगे हम। सो गाइज अभी भाई मैं नेम टैग लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे भाई हम अपने घोड़े के लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं। एंड मैंने सोच के रखा है भाई मैं अपने हॉर्स का नाम रखने वाला हूँ रॉजर। एंड ये उतना भी कुछ खास नेम नहीं है, बट ये नेम मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को रख लिया जाए। एंड इसका भाई इंस्टेंट कॉस्ट एक ही लेवल है, तो अच्छा ही है भाई। मैंने इसका नाम ले लिया यहाँ पे नेम टैग, इसको चल के भाई नीचे दे देता हूँ। ये रहा भाई अपना हॉर्स, रुक जाओ वेट, इसको भाई हम इसका नाम दे देते हैं। वेट अ सेकंड यार, मैं तो इसके ऊपर ही बैठ गया। एंड मैं आपको बताऊंगा भाई कि ये कितना तेज़ भागता है, ठीक है, इसकी हेल्थ भी ज़्यादा है साथ ही साथ गाइस ये बहुत ही तेज़ भागता है। एंड इसको भाई हम नाम दे देते हैं। देखो गाइस कितना स्पीड भाग रहा है, देख रहे हो? रुको बाहर चल के भाई आपको दिखाता हूँ, भाई बाहर निकल जाए। देखो गाइस इसकी स्पीड देखो,
लिटरली भाई बहुत अच्छी स्पीड है एंड साथ ही साथ इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। इसको अंदर रखते हैं एंड उतर जाते हैं इस पे से, दरवाज़ा बंद कर देते हैं यहाँ से, मतलब गेट जो है। एंड अभी भाई हम इसको नेम टैग दे देते हैं गाइज, आज से भाई इस घोड़े का नाम है रॉजर। एंड अभी मेरे को इसको ना ये सारे गेट में खोल देता हूँ ताकि इसको जब मन करे अंदर जाए बाहर आए, इसकी मर्जी। एंड अभी गाइज मेरे को अपना डायमंड का आर्मर भी लाना पड़ेगा ना इसको लगाने के लिए। एंड मैं गाइज क्या सोच रहा हूँ ना, हैवेल लेके आते हैं भाई, हैवेल लगाएंगे इसके अंदर और ओपी लगेगा। तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा हैवेल लेने के लिए। ओके सो गाइस यहाँ पे भाई मैं हैवेल लेके आया था एंड इन सब के अंदर भी लगा दिया। अभी मेरे को क्या करना है ना, इस हॉर्स को भाई डायमंड का आर्मर पहनाना है, जो कि मेरा एक लौता डायमंड का आर्मर है। एंड मैंने इसको पहना दिया भाई हॉर्स डायमंड आर्मर एंड ये क्या ही तगड़ा लग रहा है। एंड वेट अ सेकंड, मैंने इसको भाई गलती से मोड़ दिया। यहाँ पे भाई मैं ये जो गोल्ड का आर्मर है ना इसको रख देता हूँ एंड इसको सही कर देते हैं। ओके सो चलो गाइस यहाँ पे अपना हॉर्स क्या ही ओपी लग रहा है डायमंड आर्मर के साथ। अब तो भाई इसको कोई नहीं मार पाया, वैसे मार पाएगा बट डायमंड आर्मर से भाई इसकी प्रोटेक्शन जो है बढ़ जाएगी। सो गाइस भाई हमने फाइनली अपने हॉर्स के लिए एक न्यू घर बना दिया है एंड ये अपने हॉर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, आई थिंक उसको पसंद आया होगा। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप भाई आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के में ओनली 140 लाइक्स, आई होप आप लाइक करके एम कंप्लीट करा दोगे। एंड अपने फ्रेंड्स को इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर से शेयर करना, कमेंट में बताना भाई आपको ये हॉर्स हाउस कैसा लगा। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भाई फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भाई ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज यार अभी तो और एपिसोड्स बाकी है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।